नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टेक इन्फोटेनर में। दोस्तों, कुशल राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में ऐसी कई बातों का बखान किया है जिससे मनुष्य अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ बातों के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन नीतियों का पालन करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता, बल्कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी गंभीर रूप से अपने पथ पर आगे बढ़ता है और सफलता के इस मुकाम को हासिल करता है। आइए जानते हैं उन नीतियों के बारे में जिनसे आपको सफलता प्राप्त करने में कामयाबी हासिल होगी। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं, उससे आपको क्या फायदा होगा। साथ ही ये भी पता होना आवश्यक है कि आप उसमें किस हद तक सफल हो सकते। इन सवालों का जवाब यदि आपके पास है तो आप अपने काम को ज्यादा लगन और विश्वास के साथ करते हो और उसमें अवश्य ही सफल होते हो। चाणक्य ने सफलता की महक को पाने के लिए असफलता के डर को भगाना बेहद आवश्यक बताया है। वो कहते हैं कि असफलता का डर हावी हो जाने के बाद मनुष्य कभी सफल नहीं हो सकता। साथ ही आपको अपनी प्लानिंग के बारे में किसी और से बात नहीं करनी चाहिए, इससे सामने वाला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा न करें। चाणक्य कहते हैं कि मित्र के स्वार्थ की पूर्ति होते ही वो आपको हानि पहुंचाने की प्लानिंग करने लगता है, फिर आपकी मित्रता भी टूट जाती है। दोस्तों, चाणक्य ये भी कहते हैं कि सफलता के लिए अन्न, जल तथा मधुर वाणी को कभी त्यागना नहीं चाहिए। जीवन इसका लिबास आपको सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। साथ ही आपको डर के ऊपर हावी होने का तरीका भी आना चाहिए। डर अगर आप पर हावी हो गया तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। चाणक्य कहते हैं कि जब भी डर आपको डराने की कोशिश करे, तुरंत उस पर आक्रमण करो और उसे तभी खत्म कर दो जड़ से। अपनी गलतियों से सीखने के मुकाबले हमें दूसरों की गलतियों को ध्यान से देखना चाहिए और उससे अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। साथ ही आपकी ज्यादा ईमानदारी भी आपके लिए मुसीबत बन सकती है, इसलिए ईमानदारी उतनी ही हो जिससे किसी का नुकसान न हो। चाणक्य कहते हैं कि सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।